और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अमेठी की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। एक तरफ अमेठी के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता गांधी परिवार से मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़वाया जाए, तो दूसरी तरफ गांधी परिवार के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ये दावा कर रहे हैं कि अमेठी की जनता चाहती है कि वही यानी रॉबर्ट वाड्रा ही अमेठी से चुनाव लड़े। देखिए रिपोर्ट। अमेठी की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। एक तरफ अमेठी के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता गांधी परिवार से मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़वाया जाए, और दूसरी तरफ गांधी परिवार के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ये दावा कर रहे हैं कि अमेठी की जनता चाहती है कि वही यानी रॉबर्ट वाड्रा ही अमेठी से चुनाव लड़े। न्यूज 18 इंडिया ने रॉबर्ट वाड्रा से खास बातचीत की है। उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं, उनकी पूरी बात सुनेंगे। इसके पीछे एक बहुत गहरी राजनीति छुपी हुई है। गांधी परिवार की ये रणनीति क्या है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा किस तरह अमेठी से किस्मत आजमाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अमेठी और रायबरेली से रॉबर्ट वाड्रा का एक रिश्ता रहा है, और रिश्ते की वजह ये है कि प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रचार का काम संभालती रही हैं, और प्रियंका गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी और रायबरेली के दौरे करते रहे हैं, लेकिन अमेठी से उनका ज्यादा लगाव नजर आ रहा है। उनका दावा है कि स्मृति ईरानी से अमेठी की जनता निराश है और वो गांधी परिवार के सदस्य को ही दोबारा चुनकर संसद में भेजना चाहती है। दरअसल अमेठी और रायबरेली दोनों ही गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा किला रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने अच्छे दिनों में अमेठी और रायबरेली पर एक छत्र राज किया है। अब रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, और वो राज्यसभा के रास्ते संसद में पहुंच चुकी हैं। उन्होंने राज्यसभा की शपथ भी ले ली है। अब ऐसे में एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी फिलहाल अमेठी से नामांकन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि वायनाड में वोट पड़ने तक वायनाड के लोगों को ये आभास हो कि राहुल गांधी वायनाड छोड़कर अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन 26 अप्रैल को जब वायनाड में वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद 27 अप्रैल को अमेठी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी 26 अप्रैल को वायनाड में वोट पड़ेंगे और 27 अप्रैल को राहुल गांधी अमेठी से अपनी दावेदारी ठोक देंगे। ये खबरें सूत्रों के हवाले से ही आ रही हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि कांग्रेस पार्टी ने अभी नहीं की है, लेकिन रायबरेली के अंदर सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल अपील कर रहे हैं कि अगर अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा तो इससे कांग्रेस पार्टी और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। वहां की जनता जो है वो गांधी परिवार को अपने दिल में बसाए हुए, वो इनके ताकत है वहाँ पे, और उसी ताकत के भरोसे में इतनी बड़ी बात भी कर रहा हूँ आपके उसके अंदर। और वहाँ की जनता रेगुलर अपने संदेश भेज रही है राहुल जी तक, प्रियंका जी तक, सोनिया जी तक, और हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय खड़गे जी तक कि दोनों परिवार के सदस्यों को वहाँ लड़ाया जाए। अगर अमेठी और रायबरेली की राजनीति की बात करें तो इस वक्त ये दोनों ही लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद कठिन मानी जा रही हैं। इसकी वजह समझने के लिए आपको अमेठी और रायबरेली की राजनीति को गहराई से समझना होगा। रायबरेली लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में यहां समाजवादी पार्टी ने 4 और बीजेपी ने 1 सीट जीती थी, और कांग्रेस यहां 1 भी सीट नहीं जीत सकी थी। लेकिन अब ऊंचा हार से समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी अगर देखा जाए तो रायबरेली की लोकसभा सीट जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी को यहां समाजवादी पार्टी का मजबूत सहयोग चाहिए। दूसरी तरफ अगर अमेठी की बात करें तो इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2022 के चुनाव में यहां पर समाजवादी पार्टी 2 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, लेकिन यहां के 2 समाजवादी पार्टी विधायक अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। यानी अमेठी की 4 विधानसभा सीटें बीजेपी के कब्जे में मानी जा सकती हैं। ऐसे में अमेठी भी कांग्रेस के लिए कठिन लड़ाई बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी तो ये पहले ही बयान दे चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने का हौसला खो चुके हैं।
मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं। कुल मिलाकर अमेठी गांधी परिवार की नाक का सवाल बना हुआ है। अगर राहुल गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भी गांधी परिवार की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है, और अगर राहुल गांधी यहां चुनाव लड़कर हारते हैं तो भी गांधी परिवार के लिए कठिन स्थिति बनती है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी उम्मीद की निगाह से देखते हैं, और अगर वो रायबरेली से किस्मत आजमाती हैं तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य दांव पर लगता हुआ नजर आएगा।